हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। अगर अभी तक आप सबने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट न्यूज ओमान के बारे में। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। ओमान ने कुछ टाइम पहले ही 103 देशों के नागरिकों के लिए 10 दिनों की वीजा फ्री एंट्री जो है अनाउंस करी थी। अब आरोपी ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जो 10 दिनों की एंट्री थी वो 14 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी। ये डिसीजन ओमान ने यहाँ के टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए दिया था। ये 103 देशों की जितनी भी लिस्ट है वो सारी हमने आपको पिछले वीडियो में ही दे दी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा सारे ट्रैवलर्स को अपनी होटल बुकिंग, अपना स्वास्थ्य बीमा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और वापसी की टिकट वगैरह जो है ये करवा के पहले से ही रखनी पड़ेगी। सभी एयरलाइंस और ट्रैवल ऑपरेटर्स को ये पहले से बता दिया गया है कि ट्रैवलर्स की सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से चेक कर ले, जिसमें होटल बुकिंग के डिटेल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और कम से कम 6 महीने के पासपोर्ट की वैलिडिटी हो और ओमान में रहने के दौरान खर्च करने के लिए धनराशि शामिल हो। दूसरी न्यूज ये है कि ओमान में अब आप 8 दिनों से कम के लिए नहीं रह सकते हो। CAA के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सभी ट्रैवलर्स के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आप ओमान आना चाहते हो तो आप 8 दिनों से कम के लिए ओमान नहीं आ सकते हो। एयरलाइंस को भी ये पहले से ही बोल दिया गया है कि वो सारे ट्रैवलर्स का डिपार्चर टाइम जो है वो चेक कर ले, मतलब 7 दिनों तक आप लोगों को ओमान में क्वारंटीन करना पड़ेगा और उसके बाद 8वें दिन नेगेटिव रिजल्ट आने पर ही आप ओमान से जा सकते हो। ऑल्सो हमारे अपडेटेड ट्रैवल वाली वीडियो में हमने एक करेक्शन डाला है, जिसमें ओमान आने के टाइम पे आपको PCR टेस्ट 72 आवर्स पहले करवाना पड़ेगा, जो आपके ओमान के अराइवल टाइम से देखा जाएगा ना कि डिपार्चर टाइम से, तो आप वो चेक कर सकते हो। इस PCR वाले करेक्शन को आप डेफिनेटली ध्यान में रखना और उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट करवाना। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।